तो यार ये तीसरा वीडियो है KGF चैप्टर 2 टीजर के ऊपर। ये मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनको पता है कि मैंने बहुत सारी कन्नड़ा मूवीज़ का हिंदी में रिव्यू किया है, और आज से नहीं कर रहा हूँ, एक साल से ज़्यादा हो चुका है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। और इसके अलावा जो दूसरा रीज़न इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि जो कन्नड़ ऑडियंस है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है और उनके वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और तीसरा रीज़न ये है कि KGF वो मूवी है जिस वजह से मुझे सैंडलवुड इंडस्ट्री के बारे में पता चला है, तो इस वजह से KGF को सपोर्ट करना तो बनता है। हालांकि मेरे चैनल की कोई औकात नहीं है इस बड़े ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एज रॉकिंग स्टार यश का फ़ैन होने के नाते मैं इस मूवी को एंड तक सपोर्ट करता रहूँगा जब तक ये रिलीज़ नहीं होती थिएटर्स में। खैर, दिन में मैंने आप लोगों से पूछा था कि KGF चैप्टर 2 का टीज़र 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करेगा या नहीं, और करेगा तो क्यों करेगा। तो बहुत सारे लोगों ने इस कहा कि 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करेगा, और उनमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन कुछ ऐसी भी जिनको लगता है कि 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस नहीं करेगा। तो मैं उनको यही बोलूँगा, कौन हो तुम लोग, किस दुनिया से आए हो। KGF एक ऐसी मूवी है, ये मूवी नहीं है, ये ब्रांड है, ये इमोशन से लोगों के लिए, और ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबली जितने भी रॉकिंग स्टार यश के फ़ैन है ना, वो इस मूवी के टीज़र को 100 मिलियन के उससे कई ज़्यादा आगे पहुंचा देंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक बिगनिंग है, अभी की पूरा ट्रेलर बाकी है और पूरी की पूरी मूवी बाकी है। और देख लेना भाई लोग, जो हेटर्स है, जो लोगों ने डिसलाइक किया है, उनको मैं इतना बता दूँ कि इंडियन हिस्ट्री में कोई भी मूवी इससे ज़्यादा अर्निंग नहीं की होगी आज तक, ये लिख के ले लो। और भाई टीज़र को अब तक कितना व्यूज़ मिला तो मैं आपको बता दूँ कि YouTube पे 71 मिलियन व्यूज़ है और 4 मिलियन प्लस लाइक्स है, लेकिन एक्चुअली ये 78 प्लस मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। तो इस हिसाब से तो सुबह तक तो 100 मिलियन हो जाएगा, तो जो हेटर्स है उनकी जितनी झलेगी उतना ही अच्छा है। और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि KGF चैप्टर 2 का प्लॉट ये होने वाला है, तो मैं उनको ये बता दूं कि प्रशांत नील सर है ना, कोई ऐसे वैसे डायरेक्टर या राइटर नहीं है। उन्होंने KGF मूवी जब बनाई थी ना, तो उन्होंने बहुत कुछ सोच के बनाया था, और उन्होंने आगे की 1000 चीज़ें सोच के उस पर्टिकुलर मूवी को बनाया था। तो जितने लोग भी जो प्रेडिक्शन लगाएंगे, वो प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ 0 निकलेगा। और 99% लोगों को जो कहानी लगती है कि KGF 2 में हमें देखने को मिलेगी, मुझे भी वही लगता है कि यस, अभी KGF रॉकी भाई के अंडर है, तो जाहिर सी बात है इनायत खलील, अधीरा और रमिका सेन चाहेंगे कि अभी किसी भी हाल में रॉकी भाई को वहाँ से हटा सके। और रॉकी भाई को ऐसे वैसे भाई तो है नहीं जो वहाँ से यूँ चलते बन जाएंगे, रॉकी भाई किसी भी हाल में उस चीज़ को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहाँ तक कि KGF चैप्टर 1 देख कर मुझे इतना तो अंदाजा हो चुका है कि रॉकी भाई छोटी मोटी चीज़ों से खुश नहीं होते, तो अब जब वो वहाँ पर पहुँच चुके तो उनके लिए वो भी एक छोटा सा समंदर हो गया, और अब वो डेफिनेटली चाहेंगे कि इसके अलावा भी वो और भी चीज़ें हासिल कर सके। तो जाहिर सी बात है KGF चैप्टर 2 में हमें वो सब कुछ देखने को मिलेगा, वो एक बड़े स्केल में देखने को मिलेगा जो हमने KGF चैप्टर 1 में नहीं देखा था। तो ज़्यादा प्रेडिक्शन मत लगाओ, सिर्फ बस मूवी का वेट करो। और एज अ रॉकिंग स्टार यश फैंस, हमको सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि इस पर्टिकुलर टीज़र को जितना हो सके वायरल करना है, और 100 मिलियन तो हम लोग को क्रॉस करना, और इनफैक्ट ये क्रॉस तो सुबह तक तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाई KGF चैप्टर 2 मूवी मैं सैंडलवुड ऑडियंस के साथ बैठ के देखूंगा, और उन्हीं की लैंग्वेज में देखूंगा, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा। और मैं मुंबई में रहता, तो मुंबई में वो फर्स्ट शो कहाँ लगेगा, कितने बजे, अगर रात को भी लगेगा ना 3 बजे 4 बजे सुबह के, तो भी मैं जाके देखूंगा, लेकिन डेफिनेटली देखूंगा। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये टीज़र 100 मिलियन क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, और साथ साथ क्या आप लोग KGF चैप्टर 2 के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो, और टीज़र देखकर आपको क्या लगा, आप लोग बिंदास कमेंट सेक्शन में बता सकते। बस इस वीडियो में इतना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।